नमस्कार, इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में हम जानेंगे। आज 20 फरवरी के दौरान अधिकतर राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई, वैसे देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली और किसान भाई उदयपुर, कोटा तमाम हिस्सों में किसान भाई, दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में किसान भाई आज बादलवाई का आंशिक बादलवाई रहेगी। साथ ही मध्य राजस्थान की बात करें तो किसान भाई जैसलमेर, नागौर, इन आसपास के एरियो में किसान भाई बादलवाई का असर देखने को मिलेगा। और साथ ही उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ ही जयपुर राजधानी तमाम हिस्सों में किसान भाई चित्रवाई यानी आंशिक बादलवाई का रूप बना रहेगा। फिलहाल राजस्थान में बारिश जैसी कुछ गतिविधियां नहीं होगी क्योंकि पहाड़ों पर एक आए पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण किसान भाई राजस्थान तक इसका इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिलेगा। सिर्फ बादलवाई का असर रहेगा जिस कारण किसान भाई राजस्थान का मौसम में कुछ परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, इन तमाम हिस्सों में किसान भाई दक्षिणी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। फरवरी के माह में एक के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे किसान भाई, लेकिन फिलहाल इतने शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं है जिस कारण राजस्थान तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिले और कुछ बारिश जैसी गतिविधियां अगर राजस्थान तक इम्पैक्ट पहुंचता है तो किसान भाई तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है क्योंकि सेंट्रल पाकिस्तान, बलूचिस्तान से इधर गर्म हवा आ रही है राजस्थान की तरफ। तो अभी फिलहाल किसान भाई महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तमाम हिस्सों में किसान भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा तापमान का असर रहा है क्योंकि पाकिस्तान से दक्षिण पश्चिमी गर्म हवा आ रही है। इस वजह से किसान भाई अभी भी राजस्थान समेत कई इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम की तरफ से कोई नई अपडेट आएगी तो समय रहते उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की ताज़ा अपडेट आपको रोजाना मिल सके। धन्यवाद।